हेलो गाइज, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? मैं सुनील प्रजापति, दी रेडियंट ट्रेजरी में आपका स्वागत है। अभी आपने देख रहे हैं आईटीआई में सब ऑनलाइन क्लासेस सॉरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन को लेके लड़कों के अंदर एक बड़ी दहशत बनी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने अपने पूरी कक्षाएँ पूरी क्लास उन्होंने कंटिन्यू क्लास किया हुआ है, थोड़ा सा भी पढ़ाई पर ध्यान दिया हुआ है, तो इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं, और ऑनलाइन पेपर आसानी से हो भी रहा है और लड़के एग्ज़ाम दे भी रहे हैं। बड़े इजी क्वेश्चन आ रहा है, नेम में पैटर्न का है, जिन लोगों ने पीडीएफ को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है और उन पीडीएफ को कंटिन्यूस लर्निंग किया हुआ है, तो इससे बाहर की चीज़ें नहीं आ रही हैं। गाइस, इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए अभी आपका यूपीपीसीएल जेई का भी वैकेंसी आया था, यूपी उत्पादन निगम का भी जो है जेई का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने वाला है। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ सिंबल्स, कुछ इलेक्ट्रिकल्स के जो सिंबल होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, इन सब सारी चीज़ों को एग्ज़ाम के बिहाव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आईटीआई के रिटर्न पेपर हो या कंपटीशन का कोई भी पेपर हो जो टेक्निकल साइड के होती हैं। इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था, और मैंने इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आज सोचा एक सिंबल से हमने स्टार्ट करूं और सब सारी चीज़ों को देखा जाए कि किस नाम से जानते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं। पहला है, हम बात करेंगे वैद्युतिक चिन्ह एवं प्रतीक, इलेक्ट्रिकल साइन एंड सिंबल्स। पहला है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन जो है आपका प्लस की तरह होता है, बिल्कुल प्लस है, क्योंकि इसको जो चिन्ह है वो जैसे हमने मैथ का पॉजिटिव पढ़ा हुआ है, प्लस पढ़ा हुआ है, सेम वैसे ही होता है। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव निगेटिव की तरह है, थोड़ा सा बड़ा होता है, अब मैथमेटिक्स में थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे घटाना होता है, यहाँ सिंबल के रूप में हम यहाँ दर्शाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक तरह से ड्राइंग शो करता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। तीसरा है एसी। एसी का आप लोग सिंबल देखे ही होंगे, एसी का सिंबल ऐसे ही होता है जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। चौथा है डीसी। डीसी जो है डायरेक्ट करंट होती है, जो एक डीसी धारा प्रवाहित होती है, तो आपका जो है डीसी का सिंबल है। अगला है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज। अच्छा, अपने देश में जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने की है? 50 हर्ट्ज की है, ये सभी को जानना है, जानकारी होनी चाहिए। तो सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज को कैसे दिखाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एसी का सिंबल है और यहाँ पे हमने सिंगल फेज किया हुआ है, ये 50 हर्ट्ज है। लास्ट नेक्स्ट है थ्री फेज एसी 50 हर्ट्ज, तो सेम ऐसे ही है, जहाँ पे सिंगल फेज है वहाँ पे थ्री फेज हो जाएगा और बाकी 50 हर्ट्ज भी रहेगा। तो इस तरह से हम लोग आने वाले अगले वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे और सिंबल को पूरी तरीके से सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ओके, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।